वॉल डेकोर तो बेशक आप खरीद के भी लगा सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है, लेकिन जब आप खुद से चीज़ें बनाते हैं ना तो वो ज़्यादा सुंदर लगती हैं मुझे पर्सनली। इसीलिए मैंने यहाँ पे एक प्यारा सा वॉल डेकोर बनाया है जो बहुत ही सुंदर बन करके रेडी हुआ था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे न्यूज़पेपर लिया था, उसकी स्टिक्स बना ली थी, मैंने 16 स्टिक्स बनाई थी। फिर मैंने ब्लैक कलर के चार्ट पेपर का यूज़ किया है, चार्ट पेपर जो था वो थोड़ा टफ यूज़ किया है मैंने, ठीक है, ताकि वो जल्दी ख़राब नहीं होता है। फिर उसकी मैंने कुछ इस तरीके से लीव्स ड्रॉ करके कट कर ली थी। उसके बाद में मैंने यहाँ पे लिया था एक कार्डबोर्ड और उसमें मैंने राउंड कट करके उसको, और फिर मैंने उस पर मार्क कर दिया था जहाँ जहाँ पे भी मुझे स्टिक करनी थी, उसको इस तरीके से मैंने स्टिक किया है। और इस पूरी प्रोसेस में मैंने फेविकोल का ही यूज़ किया था प्रॉपरली। सारी जगह स्टिक्स को ऐड करने के बाद आप स्टिक्स को कट भी कर सकते हो पहले या बाद में, अपने अकॉर्डिंग जैसी आप लेंथ चाहते हो। मैंने एक छोटा एक बड़ा ऐसे करके स्टिक्स को रखा था, फिर मैंने इन लीव्स को अच्छे से फेविकोल की मदद से स्टिक कर दिया था। इसको और इन्हेंस करने के लिए मैंने ग्लिटर शीट भी यूज़ करी है। बीच वाला जो पार्ट कार्डबोर्ड का दिख रहा है, मैंने वहाँ पे पेंट ना यूज़ करके वहाँ पे भी मैंने कार्डबोर्ड का ही पेपर को ही कट करके वहाँ पे भी मैंने ऐड कर दिया था। फिर उसके बाद में मैंने ग्लिटर शीट के सारी लीफ जो स्मॉल साइज़ की कट करी थी, मतलब जो आपकी चार्ट पेपर की पत्तियाँ हैं उनसे छोटी कट करनी है, ताकि आपको ब्लैक आउटलाइन भी दिखेगा और आपको ये ग्लिटर शीट का भी प्यारा सा एक लुक दिखेगा। फिर मैंने छोटे छोटे राउंड मिरर का भी यूज़ किया था, और ये रहा फाइनल लुक। कमेंट सेक्शन में बताना आप सबको ये डेकोर कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही।